মাঘারো কঙালি ওই বহাগতে ধেমালি করো। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है चैनल विद सुमी में। मैं सुमित्रा कोकराचार आसाम से। आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू, दोमासी, पोंगल, लोहड़ी की हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। हमारा प्यारा देश भारतवर्ष अनेकता का बीच एकता का जीता जागता मिसाल है, वैसे ही कोकराचार आसाम में भी एक छोटा सा भारत बसता है। इस वीडियो के मार्फत आप सभी को आसाम के विभिन्न समुदाय के लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, कुछ झलक दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ। आज हमने विभिन्न समुदाय से कुछ फ्रेंड्स को बुला के लाई हूँ, तो यहाँ पे हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या खाते हैं, किस किस समुदाय में क्या क्या खाना खाते हैं, उसके बारे में कुछ बातचीत भी करते हैं, थोड़ा मस्ती भी करते हैं। तो इस पर्व को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए आप सबको मैं मिलाती हूँ। हम ये मकर संक्रांति में सब अपना अपना डिशेस लेकर आए हैं, तो यहाँ पे हम हमारा कम्युनिटी बोडो कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या क्या तैयार करके लाया है, ये कैसे और क्यों बनाते हैं हम इस समय? अभी हम दोनों ये जो दोमासी का पिठा लेकर आए हैं, बोडो कल्चर में इसको दोमासी यानी माघ बिहू के टाइम पे बनाया जाता है। इसमें जो ये स्पेशल पिठा है, ये वाला जो पीठा है ये स्टीम राइस का पीठा है, जो जोहा राइस को भिगो के फिर उसका पाउडर बना के बनता है। और इसमें जो ये जो दिया हुआ है, इन बिटवीन दो लेयर दिया हुआ है तिल और गुड़ का। तिल और गुड़ में थोड़ा अदरक भी देते हैं, जैसे कि संक्रांति में दूसरे कल्चर में भी तिल और गुड़ का इस्तेमाल होता है। नया हार्वेस्ट किया हुआ तिल हम लोग यूज़ करते हैं, और चावल भी नया हार्वेस्ट किया जो होता है उसी को हम इसमें यूज़ करते हैं। और ये प्रकृति या भगवान को थैंक्स देने के तौर पे हम लोग इसको परोसते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं और भगवान को भी चढ़ाते हैं। इसको बोलते हैं पिठा लाउदुम। इसको होम करके बनाते हैं, मतलब उसको स्टीम करके बनाते हैं, इसमें भाप देके। बहुत हेल्दी है ये। देखो माइरों को जो जंग नुआ बेखो जंग माइब्रा जंग माइब्राजों बेखौ माइब्राखौ जों एसे दैयाव सोमनानै दोननानै बोखांनानै ओमफ्राय दैखौ जर' होयो। जर' होनानै ओमफ्राय बेखौ जों माने गुरा खालामो, माने पाउडार खालामो। पाउडार खालामनानै ओमफ्राय बेखौ जोङो सिनिजों सिनि एड खालामो, ओमफ्राय संख्रि लगायो। ओमफ्राय बेजों नों टेस्टनि थाखाय फ्लेवरनि थाखाय जों बेहाय सफ होनायबादि ओमफ्राय आरो माबा एड खालामना माने लगायदेरनानै ओमफ्राय जों बेखौ पेस्ट खालामो, माबा दैजों मिक्स खालामो। मिक्स बानायो ओमफ्राय बानायनानै आखायाव गल खालामनानै ओमफ्राय थावजों नङाबा जों रिफाइनजोंबो थाव माने मास्टार्ड अयल माने बेसरनि माने थाव गोथां होनोना जों थाव जानाय होनो बर'नि थाव गुबै, बेयाव जों बेखौ एवो। ओमफ्राय बेखौ एवनानै बे जोंनि माने माग बिहु बा दमासियाव जों बे फिथाफोरखौ जों बानायो। सेम बिदिनो बेखौ लारु होनो बर'आव, लारु आरो नङाबा उदालगुरि थिंजाय एसे आलदा बुङो होनो। ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा ओरैनो माने लकेल थावनि फिथाबो होननानै जों बुङो, थावनि फिथा होननानैबो बुङो। बोडो कम्युनिटी से तो हमने देखा ये लड्डू और पिठा का, अभी मारवाड़ी कम्युनिटी से पूछते हैं ये इन्होंने क्या क्या तैयार करके लाया है और क्या क्या खाते हैं हम। तो चलिए, क्या बनाया आपने आज? मैंने हमारा जो मकर संक्रांति है, एक्चुअली में इसको गुजरात और राजस्थान में इसको उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए बोला जाता है कि मतलब जो सूर्य भगवान है वो दक्षिण से उत्तरायण की तरफ जाते हैं, इसीलिए इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ये त्यौहार हम लोग के लिए धार्मिक तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसमें स्पेशली हम लोग आपका पकौड़ा बनाते हैं। जो ये मीठा पकौड़ा है, ये सूजी और आटा से बनता है मीठा। ये नमकीन पकौड़े, ये दाल से होता है। मूंगफली का गजक है, ये तिल की गजक है, ये व्हाइट तिल का है। और ये मूंगफली काजू ये सब का मिक्स ड्राई फ्रूट का भी गजक गुड़ के साथ बनता है। और ये तिल का लड्डू, ये एक्चुअली बहुत हेल्दी होता है, बोलते हैं ठंड के दिन में तिल खाना चाहिए, शायद इस हिसाब से बनाया जाता है। और ये स्पेशल जो है राजस्थान का आइटम दाल बाटी चूरमा, ये बाटी है, ये दाल,
ये चूरमा और ये लहसुन की चटनी इसी पर्व में बनता है ना ये भी। हाँ ये स्पेशली बनता है इसी पर। इस पर मैं जितना आइटम्स अच्छे से बना पाऊँ यही सेलिब्रेट होता है। एक साथ पूरी फैमिली बैठ के खाती है इसी को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये राजस्थान का मेरे घेवर, इसको अपन रबड़ी के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ इसको खाया जाता है। इस त्यौहार में हम लोग का स्पेशली ये भी होता है कि ये जो गजक, ये लड्डू, ये जो बनते हैं हम जो ब्राह्मण है उनको हम देते हैं पहले। हाँ, और प्लस हम लोग के लिए स्पेशल ये त्यौहार इसलिए कि हम लोग इस त्यौहार में दाल, अनाज प्लस ऊनी कपड़े वो हम गरीबों को, ब्राह्मण को, ये हम दान में देते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारा ये स्पेशल है, मकर संक्रांति का स्पेशल होता है कि हमें कुछ दान करना है। अच्छा। चाहे वो अनाज करो, जिसका जितना कैपेसिटी। हमारे मकर संक्रांति के अवसर पर राजस्थान में काइट फ्लाइंग जो है वो मेन है। अभी पूरे राजस्थान में आपको पूरे आसमान में काइट ही काइट दिखेगी। ये हमारा बहुत, हमें बहुत मस्ती होती है जब हम काइट्स को ऊपर आसमान में उड़ाते हैं। तो मकर संक्रांति का स्पेशलिटी है काइट फ्लाइंग। थैंक यू सो मच। अब हम पढ़ते हैं एसएमएस कम्युनिटी की तरफ में। बिहू बिहू लागी से एतिया हम मारवाड़ी कम्युनिटी के बाद में आते हैं एसएमएस कम्युनिटी में। यहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान है, तो ये क्या क्या बना के लाया है आप बताइए इसके बारे में कुछ। सकलो माघ बिहुर शुभेच्छा जाना। आज आम इते माघ बिहुर आम करा है सीट अकमान कम और कि खा है। आम माघ बिहुत आम उरुकार दिनाखन राति आम পিঠা পনাবোৰ বনাওঁ। নেক্সট দিনাখন মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয়, যোনটো অল ইণ্ডিয়াত মকৰ সংক্ৰান্তি বুলি জনা যায়। চ' মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনাখন আমি ৰাতিপুৱাতে গা পা ধুই মেজি জ্বলাওঁ, মেজি বনোৱা হয়। মেজি জ্বলাই আমি অগ্নি পূজা কৰোঁ। অগ্নিত আমি যি প্ৰসাদ বনাওঁ, আমি পিঠা পনা বনাওঁ, তিলৰ লাড়ু, শুকান পিঠা, এইবোৰ আমি অগ্নিদেৱক অৰ্পণ কৰোঁ। তাৰপিছত ডাঙৰক আমি সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লওঁ। তাৰপিছত আমাৰ পিঠা পনাবোৰ আমি পৰিৱেশন কৰোঁ। আৰু কি কি বনোৱা হয় আমাৰ বাইদেউ ক'ব এতিয়া। সংক্ৰান্তিৰ দিনা গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ লৈ আমি আমাৰ ভাই ভনী সকলো আলহী দুলহীসকলকে আমাৰ পিঠা পনা, এয়া তিলৰ পিঠা খাবলৈ দিয়া হয়। তিলৰ পিঠা তিল আৰু বৰা চাউলৰ, বৰা চাউলেৰে বনোৱা হয়। তাৰপিছত আমাৰ নাৰিকলৰ লাড়ু, নাৰিকল আৰু চেনিৰে বনোৱা হয়। আৰু ইয়াত তেলপিঠা, তেলপিঠাটো আমাৰ তেল, তেলত ভজা হয়। আৰু এইখিনি সান্দহগুড়ি, সান্দহগুড়িটো আমাৰ উহা চাউলত ভাজি বনোৱা হয়। সান্দহগুড়িটো আমাৰ মাঘ বিহুৰ জলপান হিচাপতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু এই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এইটো ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বহুত হেলদি না এটা, হেলদি ফুড। তো আপুনি কি ৰেডি কৰি লৈ আহে এইটো ধনিবোৰ? মই ইয়াত লৈ আহিছোঁ অসমীয়া জলপান। এয়া হ'ল আমাৰ দৈ চিৰা আৰু গুড়। লগতে ৰাখিছোঁ এই কলা, কলা বৰা চাউল নতুনকৈ ওলাইছে দেই, ইউনিক লাগিছে। দুবছৰমান হ'ল এইটো, আমি আগত খোৱা নাছিলোঁ। এইটো হ'ল কৰা কলা বৰা চাউল, ইয়াত ভিতৰত আমি নাৰিকল দি বনাইছোঁ। এইটোও তিল পিঠা হয়, এইটোও নাৰিকল দি বনোৱা হৈছে। এইটো হ'ল আমাৰ তিলৰ লাড়ু, তিলৰ লাড়ু আমি গুড় পকাই তিলৰ লাড়ু বনোৱা হৈছে। তিলৰ লাড়ু মানে আমাৰ পুৰা হেলদি, চবে খাব লাগে বুলি কয়, ঠাণ্ডাত ভাল বুলিও কয়। এই আমাৰ মগাৰ সন্তিত মানে এই আমাৰ জলপান, এয়া এয়া গোটেইখিনি, গোটেইখিনি আমাৰ বঢ়িয়া হে নাৰিকল লাড়ু ভি হে, নাৰিকলৰ লাড়ু। আবি হাম আসামিস কে তৰফ সে ইছ তৰফ বেংগলী কমিউনিটি কে তৰফ আ ৰহে তো আপ লোক নে কিয়া কিয়া বনায়া হে? মকর সংক্রান্তি সবাইকে শুভেচ্ছা জানালাম। আমি বেঙ্গলির তরফ থেকে বলছি, আমাদের এই বিহুটাকে অ্যাসামিজে বিহু বলে, আমরা এটাকে মকর সংক্রান্তি বলি। আমরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে আমাদের বাস্তু পূজা করা হয়। বাস্তু মানে ভূমি পূজা। এখানে আমাদের চড়ু রান্না করে, উনি ব্রাহ্মণেই করবে, এটা আমরা নিজেরা ধরতে পারবো না। ভোগ চাল দিয়ে এটাকে চড়ু রান্না করে সুন্দরভাবে পূজা করা হয়। পূজার শেষে আমরা সবাই তিল মুখে দিতে হবে। তিল খেয়ে আমরা সবাই সবাইকে প্রণাম করি, করে তারপরে বিভিন্ন ধরনের খাওয়া খাদ্য আমরা এগুলো খাই। দই চিড়াটা মেন খেতে হয়। আমাদের মেন হচ্ছে চিতই পিঠা। আচ্ছা, এই চিতই পিঠাটা করে কেউ তিল, তিল দিয়েও খায়, আবার এই আমাদের গুড় দিয়েও খায়। আর এটা হচ্ছে পাটিসাপটা, এটা কেউ ক্ষীর দিয়ে করে, কেউ নারকেল দিয়ে করে। আজকে আমরা ক্ষীর দিয়ে করে নিয়ে, ক্ষীর দিয়ে করছি না, একটু দেখি আর
वाओ देखे सुंदर আর অনেক ধরনের পিঠা আমাদের থাকে আব হাম বেঙ্গলি কমিউনিটি সে আতে হ্যাঁ গোর্খালি নেপালি ভাষি গোর্খালি কমিউনিটি কে পাস তো ইনহোনে কিয়া কিয়া তৈয়ার করকে লায়া হ্যায় ইয়া তো দেখতে হ্যায় আইয়ে নমস্কার সবাই জানালাই মকর সংক্রান্তি গো ধেরে ধেরে শুভকামনা র হামরো পরম্পরা হামরো সাংস্কৃতিক ইয়ো मकर संक्रांति को चार में हमी सब भन्दा पहिला सूर्य उदय होने पहिले हमी नुहाउँछौ न बोली नुहाउँछौ अनि नुहाएपछि हमी तिल मुख में लिन्छौ र तिल को हमी आगो ताप्छौ पुष महीना में पकाएर माघ में खाने गर्छौ यो बेलुका बनाएर बिहान खाने नेक्स्ट दिन हमी नुहाएर जुन माले भन्नुभयो नुहाएर हमी नबोलिकन तिल को सेप लिएर तिलको तिलक लगाएर अनि खानेकुराहरू भगवान्लाई चढाएर त्यस पछाडि हामी खाने गर्छौँ त सबैभन्दा पहिला यहाँ मेन तिल हो तिलको लड्डु यसले जिउ गरम गर्छ भन्छ त्यसैले खान्छौँ हामी सेलरोटीमा पनि हामी घिउ र मेथी हालेर बनाउँछौँ जसले शरीरलाई गरम राखोस् यो जाडोको महिना हो र कन्दमूल खान्छौँ हामी धेरै प्रकारको कन्दमूलहरू यहाँ घरतरुल पिँडालुस यो सिमलतरुल सकरखण्डा र मेन हामी खिचडी पनि खान्छौँ तर हामी खिचडी कालो दाल र चामलको भोग चामल भन्छ यो मसिनो चामलको खिचडी घिउ सरेको खिचडी गरम गरम खिचडी खान्छौँ हामी त्यसपछि यो चाहिँ भयो फुरौला यो चाहिँ हामीले फापरको पिठोको फुरौला आजकल त अनलाइनमा पनि किन्न पाइन्छ अच्छा यसलाई बकपिट भन्छ यसको फुरौला हामी नुनिलो फुरौला बनाएर खान्छौँ यसमा धनियाँ पत्ता र खोर्सानीमा तयार लिएको छ तर यो हाम्रो पकवानहरू हो नरिवलको लड्डु पनि छ यहाँ र अझै धेरै प्रकारको पकवानहरू हुन्छ र आज हामीले यति प्रिपेयर गरेर ल्याएको छौँ हामी दुईजनाले र अब यो हामी सबै मिलेर खानेछौँ लुंगे मा चोरी डुलाउने लाई हत्केलामा জাগিল ময়না কিনো মরম জাগিল इस तरह से हम सब ने सेलिब्रेट किया मकर संक्रांति को तो हम सब एक साथ में आप सभी को बोलते हैं हैप्पी बिहू मकर संक्रांति दोमासी लोहरी और पोंगल की शुभकामनाएं